बिहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए अभी तक सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं हुआ है। लोगों का फसल बर्बाद हो गया है, लोग घर से बेघर हो गए। वैशाली जिला पातेपुर क्षेत्र के भरतीपुर गुड़िया टोला लदहो वली गांव माची टोला का दौरा करते हुए गरीबों का मसीहा माने जाने वाला पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इन सभी गांव का जायजा लिया और राहत कोष वितरण किया। मीडिया से बात करते हुए तेज प्रताप यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। अपने बयान में तेज प्रताप यादव ने कहा, बिहार में वर्तमान सरकार फेल है, उन्होंने नीतीश सरकार को सुझाव दिया है बाढ़ पीड़ितों को भोजन एवं इलाज के लिए कैंप लगाया जाना चाहिए। तेज प्रताप यादव का समर्थन करते हुए पातेपुर विधानसभा क्षेत्र राजद के भावी प्रत्याशी हरिवंश पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार को हालात का जायजा लेते हुए राहत सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए। राजद नेता हरिवंश पासवान ने खासतौर पर विधायक प्रेमा चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रेमा चौधरी को हालात का जायजा लेना चाहिए और पातेपुर क्षेत्र की जनता को राहत कोष सामग्री और मेडिकल कैंप लगवाना। सुशासन बाबू, आपका ध्यान किधर है? बाढ़ पीड़ित परेशान किधर है? आप टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे गांव में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पातेपुर क्षेत्र का बुरा हाल, किस तरह से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव और राजद के भावी प्रत्याशी हरिवंश पासवान ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर गांव की जनता से हालात का जायजा ले रहे हैं। मौके पर मौजूद चंदेश्वर राज चंद्रवंशी, राजद के जिला अध्यक्ष राज नारायण राय, मोहम्मद इस्लाम मुख्य रूप से मौजूद थे। बढ़ा हुआ है और बिहार सरकार हर एक कामों में फेल है। बिहार सरकार को पूरे तरीके से खाना वगैरह सारा के गरीब लोगों को व्यवस्था करना चाहिए और ऐसे सिचुएशन में सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं जी, उन तक भोजन पहुंचाया जाए और फ्री जी ऑफकोर्स अब मेडिकल कैंप लगाया जाए। मेरी पार्टी अभी आप देखे हैं कि जितना संभव है हमारी पार्टी सेवा कर रही है गरीबों की भी, बाढ़ पीड़ितों की भी। इसको तो सबसे पहले सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए, प्रशासन के ध्यान देनी चाहिए क्या स्थिति है। यहाँ कैंप होना चाहिए, यहाँ विधायिका के कैंप लगा करके भोजन की व्यवस्था करना चाहिए, सुबह शाम हर जगह कैंप गिराना चाहिए। ये सब सरकार की विफलता है, इसलिए हम लोग इसको विरोध करते हैं और अपने पार्टी के तरफ से प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के आह्वान पर यहाँ पर मैं हरिवंश पासवान, प्रदेश महासचिव राजद, हम लोगों ने अभी जो पातेपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरा किया, इसमें लगभग 25% लोग पानी से डूबे हुए। हम लोगों ने जायजा लिया, बिहार सरकार के तरफ से कोई SDO कोई DM जायजा लेने नहीं है। यहाँ तक कि जो क्षेत्रीय विधायक श्रीमती प्रेमा चौधरी है, सबसे पहले उनको इस क्षेत्र में भ्रमण करके और जो सरकारी जो ब्यूरोक्रेट है उसको बोला करके यहाँ जनता को सहायता करवाना चाहिए और उनको मुख्यतः अभी प्रेमा चौधरी को जी को परे ये विधानसभा में ये यहाँ रह करके और जनता के कि जनता का मुआयना करना चाहिए। सर, दो दिन पहले यहाँ का डीडीसी आए हुए थे, आपको DDC आए थे, जैसे हम लोग भी आए। आने से मतलब नहीं, मतलब है कि जनता को बिहार सरकार के तरफ से क्या लाभ पहुंच रही। सवाल है कि अभी ब्यूरोक्रेट, बिहार का ब्यूरोक्रेट जो है आदरणीय नीतीश कुमार के झूठे वादा के ही चर्चा पर चल रहे। झूठा वादा जैसे नीतीश कुमार कर रहे उसी प्रकार से उनको ब्यूरोक्रेट मानते हैं कि सरकार और ब्यूरोक्रेट DM और SDO अगर मानते हैं कि उनको सहायता करना, आपका कोष में राशि भी रहता है तो उनको अपने सूझबूझ से भी पातेपुर विधानसभा का जनता को सहायता करना चाहिए। क्या COVID-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोर्स एड्यूसर्व आपके लिए लाए हैं मी डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। अपने राज्य में ही रहकर बेहतरीन तैयारी करने के लिए मी डिजिटल से जुड़कर अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करें और कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने के बाद इसे रेगुलर क्लासरूम में कन्वर्ट कर लें। मी डिजिटल को गूगल प्ले स्टोर से आज ही फ्री डाउनलोड करें। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।